हेलो फ्रेंड दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल जैन और आज का टॉपिक है डेटा टेबल्स। डेटा टेबल्स क्या होता है और ये कैसे यूज़ किया जाता है। बेसिकली डेटा टेबल्स है क्या, ये एक बिजनेस इंटेलिजेंसी टूल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो पे आप डिफरेंट डिफरेंट उसके रिजल्ट देख सकते हो कि उसके आउटपुट्स क्या होंगे। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रखा है। तो इसमें है क्या, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मुझे यहाँ पे EMI निकालनी है। EMI निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं अलग अलग अमाउंट पे वो EMI देखूँगा कि अलग अलग अमाउंट और अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे मेरी EMI कितनी बनेगी। तो सबसे पहले हमें EMI निकालनी पड़ेगी। EMI निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है PMT। तो कैसे लगाते हैं देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे PMT, ब्रैकेट ऑन करोगी, रेट पूछ रहा है तो इंटरेस्ट रेट है हमारा 10% पर एनम का, मतलब ईयरली है तो 12 से डिवाइड हो जाएगा ये, कॉमा नंबर ऑफ पेयर हमसे कह रहा है तो नंबर ऑफ पेयर जो हमारा है वो 10 है। 10 क्या है, ये साल है, इसको हम मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे 12 का मल्टीप्लाई करके, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है लोन अमाउंट, कितनी आपने अमाउंट लोन में ली है। तो ये हमारी नेगेटिव है क्योंकि ये हमें चुकानी है, ये हमारी लाइबिलिटी है इसलिए माइनस कर देंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे EMI निकल के आ जाएगी। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट सिनेरियोस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वन वेरिएबल डेटा टेबल, उसके बाद हम लोग चलेंगे टू वेरिएबल डेटा टेबल में। तो वन वेरिएबल डेटा टेबल में आखिर होगा क्या, केवल एक ही हमारे पास इनपुट होगा, एक ही सिनेरियो होगा, उस पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट गेट करेंगे। तो हमने क्या किया, ये जो अमाउंट लिखी हुई है इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कहीं पे भी कर दो आप, यहाँ पे कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने 1,50,000 लिखा, इसको मैंने यहाँ पे फॉर्मेट पेंट से कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग कर दिया। तो हम लोग 6 लाख तक देखेंगे कि आखिर हमारी EMI कितनी बनेगी। उसके बाद ये जो EMI निकली हुई है, फिर आप क्या करिएगा, इधर इक्वल का साइन लगाइएगा और यह इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिएगा। तो ये हमारी एक टेबल बन गई है। अब हमें इसमें क्या चाहिए, यहाँ पे इनपुट तो हमने दे दिए, यहाँ पे सिनेरियो तो हमने बना दिए, यहाँ पे हमें उनका आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे इसको सिलेक्ट कर लोगे इस तरीके से और फिर जाओगे आप डेटा टैब में और यहाँ पे आपको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस और यहाँ पे मिलेगा डेटा टेबल। अब क्या करोगे, ये जो हमारी अमाउंट लिखी हुई है लोन अमाउंट, ये हमारी कॉलम में लिखी हुई है इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करेंगे। अगर यही चीज़ रोज में लिखी होती तो हम लोग रोज सेलेक्ट करते, लेकिन अभी फिलहाल ये कॉलम में लिखी हुई है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट किया इनपुट बॉक्स और यहाँ पे हमने लोन अमाउंट ये वाली दे दी जो हमने इस फॉर्मूले में लगाई है। उसके बाद फिर हमने ओके कर दिया है। अब होगा क्या, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसके डेसिमल डिक्रीज कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि आप डिफरेंट अमाउंट पे आपकी जो EMI है वो कितनी जाएगी। जैसे आप अगर 5 लाख का लोन लेते हो तो 6,608 रुपये आपको EMI हर मंथ देना पड़ेगा। तो आप यहाँ से डिसीजन ले सकते हो कि आपको कितनी EMI अपनी बनवानी है और आपको इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, डेटा टेबल के थ्रू ये बहुत बहुत ही ईजिली हो गया। अब चलते हैं टू वेरिएबल डेटा टेबल में। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले मैं ये रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इसको इधर ड्रैग कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ जिससे ये थोड़ा सा अलग नज़र आए। और यहाँ पे आपको देने हैं परसेंटेज, तो मैंने कहा कि 10% में मुझे देखना है, यहाँ पे मुझे 12% पे देखना है और मुझे 14% पे देखना है। और अगर मैं अगले नेक्स्ट 3 ईयर में लूँगा तो मान लेते हैं 16% तक इंटरेस्ट रेट मारा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो अब क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, बिल्कुल सिंपल है। इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा सही दिखे, जिससे यहाँ पे पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, डेटा में जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है और डेटा टेबल में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉलम पे हमारे अमाउंट लिखी हुई है इसलिए हम लोग यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे।
रो में हमारे परसेंटेज लिखे हुए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग डिक्रीज करा देंगे। यहाँ पे आपको अगर फॉर्मेटिंग अगर चेंज करनी है तो आप फॉर्मेटिंग भी अपनी चेंज कर सकते हैं। कहाँ पे जाना, कैलसी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हमारा 14% अगर इंटरेस्ट रेट है और हमने अगर 3 लाख का भी अगर हमने लोन लिया तो हम लोग यहाँ पे 4,658 रुपये हमारी EMI बनेगी। तो ये था हमारा डेटा टेबल। मैं आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ दोस्तों हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए इस तरीके की वीडियो देखने के। तब तक लिए दोस्तों धन्यवाद, गुड बाय।